अभी आप सबको जीके के 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और उस टेस्ट सीरीज़ का आंसर आपको सबको नोट करना है, हो सके तो कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद इसका जो आंसर है वो आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आपके पास प्रश्न जाएंगे, चार ऑप्शन जाएंगे, उनको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए, जब उनको ध्यान से देखना है तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपका ये कहता है कि प्रश्न नंबर एक है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ठीक है? वेल्थ ऑफ नेशंस जो है उसके पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, पंडित नेहरू है, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, चौथा ऑप्शन राजबिहारी, ठीक है? इस तरह से आपको क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर देना है। जो भी इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर होगा उसे आपको देना है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर है, नदी है, वर्षा है या तालाब है? सभी के आंसर आपको नोट करते चलना है, कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, और साथ में जो है इसका जब आंसर बताएंगे तो ये चेक करना है कि आपसे कितने राइट आंसर हुए, कितने रॉन्ग आंसर हुए, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1955 में, 1850 में, 1945 में। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, भारत है, जापान है या रूस है? अगला प्रश्न, पांचवा नंबर, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? बिजली कर, निगम कर, सेवा कर या आयकर? सबसे ज़्यादा कहाँ से कर मिलता है भारत को? अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइट आंसर आपको सॉल्व करते चलना है, सभी में राइट आंसर टिक करते चलना है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, ठीक है? पेट्रोलियम से, कृषि से, कच्चा तेल से, LPG गैस से? या फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, मद्रास या मुंबई? चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस देश की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देश की मुद्रा, गरीब देश की मुद्रा, या फिर विकसित देशों की मुद्रा, या फिर शक्तिशाली देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है, ठीक है? इन सभी के जो उत्तर है वो हम शाम तक अपलोड कर देंगे, आप ध्यान से इन सब के आंसर को आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए अभी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की, इंदिरा गांधी की, चाणक्य की या नेल्सन मंडेला की? अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में या मध्य प्रदेश में? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको चूज करना है। अगला प्रश्न है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से, कलकत्ता से, मद्रास से, कोहिमा से? अगला प्रश्न है, कृषि उद्योग, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में या भारत में? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान है या फिर तीसरा स्थान है या पांचवा स्थान है? सही आंसर आपको टिक करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित है? 17 जोन में, 18 जोन में, 19 जोन में या कोई भी नहीं, ठीक है? चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर आपको चूज करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ 5 मई 1954 को, 1 अप्रैल 1951 को, 28 अगस्त 1979 को, 30 सितंबर 1960 को? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया, 1955 में किया गया, 1966 में किया गया या 1810 में? ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाला से, रेशम घोटाला से, चीनी घोटाला से या अनाज घोटाला से? चार प्रश्नों का आंसर, चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको चूज करना है, ठीक है? इन सभी के राइट आंसर जो है वो शाम तक हमारे द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है,
ऑस्ट्रेलिया को होता है, पाकिस्तान को होता है या फिर इंग्लैंड को होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जीआईसी के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, एफआईसी के द्वारा या बैंक प्लान के द्वारा? चार ऑप्शन राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से 2000, 1989-90, 1992-93, 1951-52। राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली, ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? आसाइद द्वारा, झाझू राम द्वारा, राम प्रजापत द्वारा या फिर राम प्रताप द्वारा? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? चार ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है, सांवर झील, पिछोला झील, आप आना सागर झील या फिर डल झील? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अगस्त 2010 में, नवंबर 2012 में, दिसंबर 2013 में, जनवरी 2005 में? राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2010, 2009, 2008, 1996? जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जब इसका आंसर आए तो सबको आंसर चेक करना है, आंसर के साथ में डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, बकायदा डिटेल्स में आंसर बताया जाएगा, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, जयपुर या फिर भानगढ़? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करना है। वर्ष 2011 में कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बीकानेर और नागौर, अलवर और भरतपुर, जयपुर और उदयपुर, भानवगढ़ और नागौर? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यह है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो कौन सी है? तांबड़ा है, सोना है, चांदी है, लोहा है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 1978 में, 1956 में, 2002 में? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जाता है? विधान परिषद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या विधानसभा को? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन राज्यों में पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? असम, मेघालय, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, दूसरा ऑप्शन असम, मेघालय, तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन असम, मेघालय, मणिपुर, चौथा ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? ये चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे 50 प्रश्न होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 50 प्रश्न। आपको ध्यान से सभी के आंसर देने की कोशिश करना है, इसके बाद हम आपको राइट आंसर उसका डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 35 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार, 5 बार, 6 बार या फिर 8 बार? आपको चार ऑप्शनों में से एक राइट आंसर है जिसे आपको क्लिक करके बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 36 वर्ष, अगले 36वां प्रश्न है, वर्ष 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 160, 150, 140 और 250?
राइट आंसर को क्लिक करना है और आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पूरे देने हैं। इसके बाद हमारा राइट आंसर जो आएगा आपको उससे मिलान करना है, डिटेल्स में पूरे राइट आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर 37 नंबर प्रश्न कहता है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? राम नाइक थे, मोहन नाइक थे, राजा राम राय थे, मोहन सिंह थे। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डी एस तिवारी का, मोहनलाल शर्मा का, घनश्याम तिवारी का, आयुष्मान खत्री का। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 3, 10 और 4, 30 और 5, 40 और 6। ठीक है, इन ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल किसके कुलाधिपति होते हैं? सभी राज्य विद्यालयों के, विधानसभा द्वारा चुने सदस्य के, विधान परिषद द्वारा चुने सदस्य के, सभी राज्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 में, 8 अप्रैल 2006 में, या फिर 28 अप्रैल 2006 में, या फिर 10 अप्रैल 2006 में। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70, प्रशासनिक आयकर आयोग 19, प्रशासनिक न्यायिक आयोग, प्रशासनिक सेवा कर आयोग। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार। ठीक है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग संस्था है, एक न्यायिक संस्था, या फिर एक वैधानिक संस्था, या फिर एक कर संस्था? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 10 बार, 20 बार, 30 बार, या 15 बार? आपको राइट आंसर कलेक्ट करके बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती है, जब बैंक दर ज़्यादा कर दी जाती है, जब बैंक दर कम या ज़्यादा कर दी जाती है, जब बैंक दर शून्य कर दी जाती है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित हैं? NSSO के परिवारों को उपभोग व्यय के सर्वे पर, NSS के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों के आय और व्यय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों में जनसंख्या के सर्वे पर। चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2005-06। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। ये अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है, 1999 से 2000, 2008 से 2009, 2010 से 2011, 2009 से 2000, 2005 से 2006। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। ठीक है, तो आपके ये रहे 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों का जो आंसर है वो आपको शाम तक उपलब्ध हो जाएंगे और बाकायदा डिटेल्स के साथ उपलब्ध होंगे। आपको ध्यान से इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, सभी के उत्तर देने की कोशिश करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अभी अगली क्लासेस भी आपको अपलोड होंगी और डेली आपको ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पढ़ना है ये चीज़, ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, नमस्कार।